First we will do the eleventh part that was deleted from the syllabus and then we will start with what is given in the twelfth. अब तुम सब को oxidation number तो निकालना आता है। अगर मैं लिखूँ plus two तो आ जाएगा समझ? Yes no yes yes okay. Or Mirag request. Class starts at 1010. 10. And if I can be on time, you can also be on time. Deco. आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है बट इस क्लास के बिना आपको नेक्स्ट क्लास समझ नहीं आएगा वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो नॉर्मल घर पे तुम सेल यूज़ कर रहे हो कोई भी टीवी के रिमोट में जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इफ आई आस्क व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी बाय वी कैन टेक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली बिकॉज इट इज डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्ज अगर मैं वायर पे दो पॉइंट क्रिएट कर दूर भी एंड आई कैन एंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन कन्वेंशन इज दट द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए इलेक्ट्रॉन अगर ए से भी जा रहा है तो करंट का कन्वेंशन उल्टा होता है फिजिक्स में Current will be flowing from B to a. ये सबको आता ठीक है. ये point? Yes. है. तो कोई भी सेल हो, उसके अंदर केमिकल है. अब तुम उस केमिकल को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना चाह रहे हो दैट मीन्स यू अ डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो किसी भी सेल में that may be starting from your mobile battery when your mobile is not getting recharged jab tum apna phone use kar rahe ho it is behaving like an electrochemical cell ye car ki battery hai jab hum usko start kar rahe hain to it is behaving like an electrochemical cell कोई भी cell हो उसका universally एक mechanism होता है cell के अंदर clear दो part होंगे all cells every time they will have two parts. Let's call them as x and y. If x is continuously able to give electrons to y then I can then I'll be able to take electrical energy from this. If I create this situation, I can take output electrical output from this. तो अगर x टू y इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट विल बी फ्रॉम y टू x ऑल सेल्स हैव टू पार्ट्स जो सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्ट सेल का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट इज रिडक्शन रिडक्शन इज डिफाइंड एज अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन विल बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल के जिस हाफ में ऑक्सीडेशन होता है उसको बुलाया जाता है एनोड जिस हाफ में रिडक्शन होता है उसको बुलाया जाता है कैथोड दैट मींस हर सेल के अंदर एक एनोडिक और एक कैथोडिक हाफ होगा एनोडिक हाफ इज रिस्पॉन्सिबल for supplying electrons cathodic half is responsible for accepting electrons to agar main ye create kar dun to isme electrical output aa jayega par isme ek fundamental problem hai problem ye hai x ne y ko electron diya ek electron do teen char panch agar x y ko electron deta jayega to x pe positive charge aa jayega वो अपने electron वापस खींचना शुरू कर देगा और Y अगर electron लेता जाएगा उस negative charge चार्ज आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यूजुअली आयन स्लो करते हैं तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहां गए कोई आयन नेगेटिव आयन ऐसे आ गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया फिजिक्स में तुमने पढ़ा अनलेस सर्किट इज कंप्लीट करंट विल नॉट फ्लो तो सॉल्ट ब्रिज का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दो पॉइंट तुमने लिखने हैं सॉल्ट ब्रिज में पहला इट द सर्किट सेकंड इट न्यूट्रलाइजेस एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ वो आयंस ट्रांसफर कर देगा सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं और ये नेगेटिव आयंस को ऐसे भेज देगा इलेक्ट्रॉन ऐसे आया नेगेटिव आयन ऐसे गया तो दोनों साइड चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो पेज सिक्सटी फाइव निकालो बुकलेट का सिक्सटी फाइव पेज पे ये दो पॉइंट मार्क कर लो जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट सबको शेयर हो रहा है बुक मार्क करो इनको और साइड में लिख लो वन मार्क क्वेश्चन स्टैंडर्ड मार्क वन मार्क क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज दो पॉइंट लिखने आपने कंप्लीट द सर्किट एंड न्यूट्रलाइज एंड कैथोडिक ऑफ मार्क कर लिया सबने yes. अब लॉजिकली एक बात सोचो ये जनरलाइज्ड डिजाइन है किसी सेल का कैन से इन दिस सेल एनोड इज सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू एग्री विद मी यस कौन इलेक्ट्रॉन yes. सप्लाई कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो तो एनोड इलेक्ट्रॉन रिच है एनोड पे नेगेटिव पोलारिटी होती है नेगेटिव साइन होता है इसमें कैथोड पे पॉजिटिव साइन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिजिक्स में उल्टा होता है तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच इट इज सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस साइन कन्वेंशन इज ऑपोजिट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो इसको मार्क करो एंड ये बुकलेट में ये यहाँ पे जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है ये पॉइंट को मार्क करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये एनोड नेगेटिव साइन कैथोड पॉजिटिव साइन मार्क करो इसको अब आप ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है ये जर्नलाइज कोई भी सेल के लिए काम करेगा दिस इज अर्नलाइज डायग्राम फॉर एनी सेल ईच सेल नीड्स टू हैव थ्री पार्टन एवर यू ड्रॉ द सेल क्वेश्चन योर सेल्फ वेदर दिस हैल सोल्ट ब्रिज तो इसको पहले तो नोट कर लो अब ये सामने बना इसको जल्दी से नोट कर लो हो गया नोट यस yes, सर अब हम जैसे तुम सेल uh, यूज करते हो वेरी कॉमन सेल विच इज यूज इन फिजिक्स लैब आल्सो वी आर टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल देखो अब सपोज इसमें यू हैव जिंक विच इज डिप्ड इन जेड एन एसओं ने सेल का बेसिक डिजाइन बनाया हम एक्चुअल सेल जो यूज कर रहे हैं वो बना रहे हैं दिस इज कॉपर विच इज डिप्ड इन सी यूएसओ फोर जिंक और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है जिंक और कॉपर में से जल्दी बोलो पढ़ा है yes. सबने अरे यस नो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज अ मेटल दिस तब yes. इन दोनों को तुम कनेक्ट करोगे जिंक और कॉपर को जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इफ ए मेटल इज मोर रिएक्टिव इट इज मोर लाइकली टू गिव इलेक्ट्रॉन्स तो इसको हम यहां बना देते हैं तो ये कॉपर है अब तुमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया जिंक अ मेटल इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर जैसे ये कनेक्ट करोगे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे तो जिंक क्या करेगा वो यहाँ आता जाएगा एज जेड एन टू प्लस वो जेड एन टू प्लस बनाता जाएगा और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाते जाएंगे अ मोर रिएक्टिव मेटल इज कैपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट देन अ लेस रिएक्टिव मेटल तो जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन भेज दिए अब कॉपर सल्फेट में कॉपर टू प्लस है कॉपर टू इज फोर्स टू एक्सेप्ट दोज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कॉपर यहाँ पे जो कॉपर टू प्लस था वो इस रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा आयन सोल्यूशन के अंदर होते हैं सॉलिड नहीं होते आय तो जो अब मैंने फिगर बनाया है इसके हिसाब से जिंक रॉड का मास कम होता जाएगा कॉपर रॉड का मास बढ़ता जाएगा और यहाँ पे सल्फेट इकट्ठा हो गया कॉपर सल्फेट में से सल्फेट तो कुछ नहीं हो यहाँ इकट्ठा हो गया दिस सेल इज गोइंग टू वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दिस विल वर्क बट ओनली वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ही जिंक उसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा कॉपर वाला नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो जाएंगे बिकॉज इट कंटेन द इंटरफेस सॉल्ट ब्रिज नहीं है इसमें अब इन दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और ताकि सेल मेरा काम कर सके वी यूज अ सॉल्ट ब्रिज अब इस सॉल्ट ब्रिज में सपोज मैंने के टू एसओ फोर डाला हुआ है कोई भी स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए मतलब बेसिकली आयंस प्रोड्यूस करता हो और सेकेंड वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे इनर्ट हो ये क्वालिफिकेशन है उसकी तो जिंक क्या करेगा ये यहां पे आ गया, सोचो। ये इस एंड से सल्फेट खींच लेगा तो पोटेशियम यहां इकट्ठा हो गया ज्यादा वो यहां से सल्फेट खींच लेगा तो अब बिल्कुल क्लियर है इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव इधर पहुंचा पर नेगेटिव सल्फेट यहां से यहाँ आ गया सर्किट कंप्लीट हो गया दोनों हाफ एनोडिक और कैथोडिक हाफ पे कोई चार्ज नहीं आ सकता सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सल्फेट फ्लो कर रहा है सल्फेट इज मूविंग फ्रॉम साइड साइड टू बेसिकली फ्रॉम कॉपर साइड टू जिंक साइड एंड इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम विच साइड टू विच साइड फ्रॉम जिंक साइड टू कॉपर साइड तो तुम यहां से अब आउटपुट ले सकते हो इस पॉइंट से यहां पे तुम बल्ब को ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा अब ये वाली साइड एनोड एनोड की पोलरिटी नेगेटिव ये साइड कैथोड, कैथोड की पोलिटी पॉजिटिव ये तुम्हारा सेल बन गया अब ये सेल कब तक काम करेगा ये सोचो सिर्फ ये सेल मैंने बना दिया कब तक काम करेगा तो जब तक जिंक और जैसे इन आंसर तुम ये दिमाग लगाओ कि ये सेल ये इलेवेंथ से टॉपिक कट गया था दिस वॉज रिएक्शन तुम्हारा चैप्टर नाइन था एट था इलेवेंथ में रिडॉक्स ये रिडॉक्स का हिस्सा क्यों होगा क्योंकि एक एंड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एक एंड पे क्या हो रहा है रिडक्शन ये सेल तब तक काम करेगा जब तक उसके अंदर जिंक है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने हैं और तब तक काम करेगा जब जब तक उसके अंदर कॉपर टू प्लस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं कॉपर टू प्लस इमेजिन करो खत्म हो गया

Yes, अब सेल रिएक्शन क्या होता है सेल रिएक्शन में इस बार ये बड़ा इजी है दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम लेना होता है तुम रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम लेने के बाद अब दोनों साइड के रिएक्टेंट ऐड कर दो क्या बन रहा है जेड एन प्लस सी यू टू प्लस यू जेड एन टू प्लस प्लस सी यू

जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे इस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन है एक कैथोडिक हाफ होगा जहां रिडक्शन हो रहा है और दोनों के बीच में एक इंटरफेज है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और जो दोनों हाफ को न्यूट्रलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में फ्लो कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज इनर सर्किट में आय को फ्लो करा रहा है अब सोच के आंसर करना आराम से जब ये सेल काम कर रहा है वॉट विल हैपन टू जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगा जिंक सल्फेट कम होगा या बढ़ेगा जल्दी बोलो फटाफट so बढ़ेगा या कम होगा फटाफट बोलो इंक्रीज इंक्रीज क्यों जेड एन टू प्लस यहां पे और प्लस यहां से उसको सल्फेट मिला तो टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा कॉपर सल्फेट को टाइम के साथ क्या होगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर टू प्लस तो यहाँ रॉड पे डिपॉजिट हो गया और सल्फेट यहां से बाहर निकल के दूसरी साइड पहुंच गया तो टाइम के साथ कॉपर सल्फेट कम होता जाएगा ये पॉइंट समझ आ रहा सबको नो yes, yes. no. yes. अब मैं एक सेल और बना रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट एनोड आई विल नीड वन मोर सेल और इस बार तुम्हें कैन पार्टिसिपेट टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट दिमाग लगाना क्या करना है सपोज ये हमने दो ऑफ्स लिएट से द सेकेंड वन आई एल जस्ट करेक्ट दिसमें इस बार दो इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां पे हमारे पास यू हैव सी यू डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट एंड यू हैव सिल्वर डिप्ड इन ए थ्री कॉपर और सिल्वर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल में कॉपर कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज कह थी तुमने टेंथ में आखिरी तीन मेटल कौन से होते हैं सबसे कम तीन मेटल। याद करो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम याद आया तो कॉपर इज प्रिटी लेस रिएक्टिव बट सिल्वर उससे भी कम रिएक्टिव होता है तो अगर मैं कॉपर और सिल्वर को रिया कनेक्ट करूंगा विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव कॉपर एग्रेड Yes. ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो कॉपर क्या करेगा कॉपर विल चेंज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बच्चा ऑक्सीडेशन तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन भेज दिए कॉपर यहाँ पे सीयू टू प्लस बन गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन उस सेट भेज दिए सिंस कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट इज एक्टिंग लाइक एन एनोड एनोड नेगेटिव और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भूलना नहीं है इसको इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचे Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और Ag बना दिया तो ये Ag बन रहा है यहां पे ये Ag जाके Ag प्लस यहाँ डिपॉजिट हो रहा नाइट्रेट यहां इकट्ठा हो गया अगेन आई जस्ट टोल्ड यू दिस सेल विल फंक्शन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बिकॉज सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ तो इसके बीच में अब हम एक सोल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं रिडक्शन गेन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सोल्ट ब्रिज है सपोज इस सॉल्ट ब्रिज में मैंने यूज किया के एन नो थ्री पोटेशियम नाइट्रेट तो कॉपर क्या करेगा यहां से नाइट्रेट को खींच लेगा और जो इसका के प्लस है वो यहां से नाइट्रेट खींच लेगा तो बेसिकली नाइट्रेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम सिल्वर साइड टू कॉपर साइड सर्किट कंप्लीट हो गया अब तुमने इसका सेल रिएक्शन लिखना है सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम लेना होता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो अब दोनों इक्वेशंस को एड कर दो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट तो ये आएगा सी यू प्लस टू ए जी प्लस यू Two plus, plus two एक बार चेक करो ये समझ आया सबको से एजी पे टू क्यों लगा है, समझ आ रहा है ठीक yes. yes. है ये सेल कब तक काम करेगा बता दो एक बार मुझे ये सेल कब तक काम करेगा तो जो भी रिएक्टेंट है और Ag+ है जो भी रिएक्टेंट में जब जैसे ही पहला रिएक्टेंट खत्म होता है रिएक्शन रुक जाता है ठीक है ये दोनों जब तक हैं सेल काम करेगा अब ये दोनों सेल तुम्हारे सामने हैं जो हमने क्लास में बनाए हैं राइट नाउ यू कैन सी बोथ ऑफ देम सोच के आंसर करना बिल्कुल दिमाग लगा के कॉपर एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा कॉपर इज एनोड और कैथोड एनोड बोलो दिमाग लाओ ऊपर वाले में कॉपर क्या था टॉप वाले में यहाँ पे कॉपर क्या है ये कॉपर है क्या है यहाँ पे कैथोड नीचे वाले में ये रहा कॉपर क्या है ये एनोड तुम कहोगे कॉपर क्या बनेगा कॉपर पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है किसके साथ लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ये पॉइंट समझ आ रहा है अब तुम इस लॉजिक को हम यूज कर रहे हैं वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉजिक कि कौन सा इलेक्ट्रोड कब क्या बनेगा ये हमने सीखना है ये तो पूरा चैप्टर इसी के बारे में है कि तुम्हें ये समझ आए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम यूज करेंगे अब तुम इसमें पेज नंबर सेवेंटी निकाल दो और बिल्कुल पेशेंटली अब सुनना पेज सेवेंटी निकाल दो सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है अब ये है, ये है, मुझे इसकी टेंडेंसी निकालनी मुझे नहीं पता ये क्या करेगा बनेगा, कैथोड बनेगा तो हमने हर मेटल और नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ लगा के उसकी टेंडेंसी वो ऑक्सीजाइज होना चाहता है या रिड्यूस होना चाहता है अब केमिस्ट्री की जो बॉडी है आयुपेक उन्होंने सेवेंटी पेज निकाल लेना आयुपेक ने बोला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल

अब ये सबके रिडक्शन की टेंडेंसी दी हुई है तुम्हें टू पॉइंट अब इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो है क्योंकि इस पर टेबल बेस किया हुआ है आर्बिट्रेली इसको जीरो मान लिया हमने इसके हिसाब से सब मेटल और नॉन मेटल को अरेंज कर लिया अब हाइड्रोजन के नीचे जो है वो सारे नेगेटिव हैं अब तुम्हें दो वैल्यूज चेक करनी है ये चीज रिडक्शन पे बेस्ड है ये की कंसेप्ट है लिखो एक लाइन लिखो सेवेंटी पेज पे नोट करो बुकलेट के सेवेंटी पेज के टॉप पे नोट करो और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहे हो लिखो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉड टू गेट रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉड टू गेट रिड्यूस्ड लिया? Yes, अब ये जिंक की वैल्यू है टेबल में माइनस पॉइंट सेवन सिक्स के सामने देखो उस टेबल में मिल गया माइनस पॉइंट सेवन सिक्स पे डॉट लगा लो जिंक की वैल्यू है टेबल में देखो और प्लस पॉइंट थ्री फोर कॉपर की वैल्यू है उसके आगे डॉट लगा लो टेबल में अब समझने की कोशिश करना ये टेबल किस पे बेस्ड है रिडक्शन पे ये दो वैल्यू सबको मिल गई उस टेबल में ढूंढो सेवेंटी पेज पे मिला है दो वैल्यू इन या, दोनों या। में से मैथमेटिकली माइनस पॉइंट सेवन सिक्स और प्लस पॉइंट थ्री फोर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है जो ज्यादा रिड्यूस होगा वो कैथोड बन जाएगा तो ये कैथोड है और ये एनोड है कैथोड एनोड कैसे सिलेक्ट करना है ये तुम्हें आना चाहिए अगर ये रिडक्शन में दिया होना चाहिए द ओनली थिंग इज ये रिडक्शन में दिया हो देखो ये प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कम होना रिडक्शन होता है ये प्लस टू से जीरो करेक्ट वैल्यूज दी हुई है मैंने आपको टेबल में यही लिखी है वैल्यूज देखो तो तुम एनोड कैथोड कैसे सिलेक्ट कर रहे हो ये टेबल रिडक्शन पे बेस्ड है जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है का होता है कैथोड वो कैथोड बन जाएगा दूसरा अपने आप एनोड बन जाएगा अब एक और वैल्यू देखो अब हम सिल्वर और कॉपर का सेल कर रहे हैं सिल्वर के लिए वैल्यू जीरो पॉइंट एट के सामने देखो प्लस जीरो पॉइंट एट के सामने सिल्वर दिया होगा मिला वैल्यू सिल्वर का यस yes, नो no? yes, no. yes, no. अब मुझे बताओ इस वैल्यू में से पॉइंट एट पॉइंट थ्री फोर में से मैथमेटिकली कौन सा नंबर बड़ा 0. 0. 0. तो सिल्वर और कॉपर का सेल बनाया था तो सिल्वर कैथोड बन गया था जो बड़ा है वो क्या होगा कैथोड अब जो तुमने 70 पेज पे लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस उसके आगे लिखो ये इंपॉर्टेंट है हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट्स एज कैथोड जो बड़ा नंबर है हमेशा कैथोड होगा और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पॉइंट आया है समझ yes, yeah. देखो अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं सेकेंड टाइम तुम करोगे पहला वाला मैं कर रहा हूं पूरा अब आराम से समझना इसको पूरी क्लास इसी के बारे में e नोट ए एल थ्री प्लस स्लैश ए एल इ नॉट ए एल स्लैश ए एल थ्री प्लस ये दोनों वैल्यू अगर दी तो तुम्हें एग्जाम में इनमें से कौन सी वैल्यू गलत होगी वेरी डिफरेंस बिटवीन देम पे प्लस थ्री से जीरो, हो रहा, यहां पे जीरो से प्लस थ्री हो रहा है ऑक्सीडेशन अगर ये वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू गलत है बोर्ड एग्जाम में जान के उल्टा देते हैं ऑक्सीडेशन देते हैं तुमने इसको रिडक्शन में चेंज करना होगा एल्युमिनियम की वैल्यू टेबल में चेक करो टेबल में कोई वैल्यू तुमने याद नहीं करनी हाइड्रोजन हाइड्रोन छोड़कर उसकी वैल्यू जीरो देखो माइनस वन पॉइंट के सामने दिया हुआ एल्युमिनियम तो अगर वो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें उल्टी वैल्यू दे ऑक्सीडेशन के टर्म्स में तो ये प्लस वन पॉइंट होगा तुम ऑक्सीडेशन यूज नहीं कर सकते हो अगर बोर्ड के एग्जाम में ये वैल्यू तुमने यूज कर दी तो पूरे क्वेश्चन में सीधा जीरो मार्क्स है यू हैव टू चेंज दिस टू रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में आयो ने बोला कि ई नॉट किसके टर्म्स में होना चाहिए रिडक्शन

स्लैश क्रोमियम माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर वोल्ट ये वैल्यू करेक्ट है या गलत है दिस इज़ राइट और इन टर्म्स ऑफ़ रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं करेक्ट करेक्ट है समझ आ रहा है सबको ई नॉट एफ ई टू प्लस स्लैश एफ ई ये माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट है अब ये दो मुझे वैल्यू गिवन है मुझे सेल रिएक्शन बनाना है सेल रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल सब निकालना माइनस पॉइंट फोर फोर और माइनस पॉइंट सेवन फोर में से कौन सा नंबर बड़ा है नंबर लाइन आती है सबको ये क्लास टू में जाना है तुमने इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है माइनस पॉइंट फोर फोर जो बड़ा है ये बड़ा नंबर है तो ये कैथोड होगा कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई नॉट भी तुम रिडक्शन के डाउन में लिख रहे हो तो कैथोड में यही होगा जो ये लिखा है यही कैथोड पे करना तुम्हें तो तुमने वैसे एग्जाम में लिखना एट कैथोड यही ऑर्डर लिखोगे तुम तुम बोलोगे Fe2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स Fe सो यू क्रिएटेड एन इक्वेशन ऑफ कैथोड अगर ये कैथोड है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एनोड हो जाएगा एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके टर्म्स में लिखा हुआ है रिडक्शन ई नोट हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में होगा तो उसको तुम उल्टा लिखोगे एनोड पे उल्टा कर दो उसको तो एट एनोड तुमने लिखा Cr गिव्स यू Cr3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन अब एनोड पे तीन इलेक्ट्रॉन है कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन है थ्री और टू का एलसीएम क्या होता है एलसीएम इसको टू से मल्टीप्लाई करो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो अपने आप अप इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बोलो क्या आएगा अब टू सी आर दोनों के रिएक्टेंट लिख दिए मैंने इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ऑब्वियसली 2 Cr3+ 3 Fe इस चीज को हम बुलाते हैं सेल रिएक्शन अब सेल रिएक्शन लिखना समझ आ रहा है सबको कैसे लिखा मैंने yes. तुमने अभी लिखना है अभी मैं नेक्स्ट तुम लोग करोगे मुझे सिर्फ दो वैल्यू दी थी मैं उस वैल्यू को देख के सेल रिएक्शन लिख पा रहा हूं तुम्हें समझ आया कैसे लिखा यस yes, सर नेक्स्ट है सेल रिप्रेजेंटेशन दिस इज वेरी सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन में याद करना है एबीसी जब भी सेल ड्रॉ करते हैं एबीसी होता है एनोड ब्रिज कैथोड एनोड शुड ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन योर लेफ्ट साइड अब यहां पे क्लास के शुरू से मैं जो सेल बना रहा हूं ध्यान से ऑब्जर्व करो एनोड लेफ्ट पे है यहां पे ये एनोड लेफ्ट पे है तुमने राइट पे एनोड बना दिया गलत हो जाएगा एनोड हमेशा तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए तो एनोड हैज़ तो तो लिखते, तो लिखते हैं अब इस सेल में जो अब सेल हम कर रहे हैं इसमें एनोड पे क्या था सी आर ये और क्या बना सी आर थ्री प्लस तो सेल रिप्रेजेंट सी आर था मेटल सॉलिड होता है क्या बना एक लाइन सी आर थ्री प्लस क्या था क्या बना आयंस की कंसेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी जो भी वन मोलर या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ सी वन लिख देता हूँ मैं कंसेंट्रेशन है ये एनोड पे क्या था क्या बना दो लाइनों का मतलब होता है ब्रिज टू वर्टिकल लाइन मीन सॉल्ट ब्रिज कैथोड पे क्या था और क्या बना एफ ई टू प्लस था जो आयन है उसकी कंसेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी जो भी दी हुई है स्लैश एफ मेटल सॉलिड होता है इस चीज को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बैलेंस नहीं करना होता इसमें सिर्फ क्या ले क्या था क्या बना क्या था क्या बना एनोड पहले लिखना है कैथोड बाद में लिखना है और दो लाइनों का मतलब है सॉल्ट ब्रिज सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया सबको जल्दी यस yes नो करो यस yes, तो में से दो ही लोगों को समझ आ रहा है बाकी ऐसी क्लास में बैठे हुए हो बाकी को आ रहा है समझ नहीं आ रहा यस यस सर सर इतने बिजी लोग हैं आंसर भी नहीं करते हैं ये देखो अब यहाँ पे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबके मैं कुछ बोलना नहीं सबसे मुश्किल चैप्टर है इट रियली पीपल लूज मार्क्स दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट एनोड कैथोड क्या एन फैक्टर क्या होगा अब इसमें एन फैक्टर सिक्स है छह इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं वो हमें चाहिए मैं इलेवंथ पढ़ा रहा हूँ अभी तुम्हें ट्वेल्थ तो आज शुरू भी नहीं कर सकते हम उन्होंने इलेवंथ में चैप्टर ही डिलीट कर दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अब देखो इन e सेल कॉल्ड सेल पोटेंशियल घर पे टीवी के रिमोट में तुम सेल डालते हो डबल ए ए ट्रिपल आ होते हैं आ, उसका कितना पोटेंशियल होता है सेल पे लिखा होता है ना कितने वोट का होता है टीवी के सेल नहीं देखे कभी छोटे से सेल डालते हो डबल ए ए ट्रिपल टीवी के रिमोट में किसी को वोल्टेज नहीं पता उसका वन पॉइंट फाइव होता है सच में गए तुम लोग सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इनोट सेल इज कैथोड माइनस एनोड कौन सा कैथोड है माइनस वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये सेल प्लस जीरो पॉइंट थ्री पे काम करेगा तुम अगर सेल में वोल्टेज निकालने को आ रहा है तुम्हारा आंसर पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट छे नहीं आ सकता आंसर पॉइंट्स में आता है 1.7 ऐसे आंसर आना चाहिए सेल सेल वोल्टेज का 0.3 पे काम करेगा सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड एंड लार्जर कैथोड यहाँ पे मैंने लिखवाया क्लियर लिखना तुमने नोट किया होना चाहिए हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट एज अ कैथोड अब ये मैंने तीन चीजें तुम्हें निकालनी सिखाई हैं कोई दो ई नॉट वैल्यू दे दो मुझे मैं सेल रिएक्शन निकाल लूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दूंगा और सेल पोटेंशियल निकाल लूंगा अब मैं तुम्हें दो वैल्यू दे रहा हूं तुम लोग करो यही चीज और बिल्कुल मैं ये तुम्हारे सामने होगा ये वाला आंसर तुम सिर्फ ये दो वैल्यू लिखो कहीं से नोट करने की जरूरत नहीं है दिस इज नॉट अ टेस्ट दिस इज ओनली टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक तुम्हें दो वैल्यू दी हुई है इ e नॉट एम जी टू प्लस स्लैश एम जी माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट एंड यू आर गिवन ई नॉट ए एल थ्री प्लस स्लैश ए एल माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट ये दो तुम्हें वैल्यू दिए हैं सबसे पहले निकालो सेल रिएक्शन लिखो फिर सेल रिप्रेजेंटेशन और फिर सेल पोटेंशियल तुम्हारे पास दो मिनट का टाइम है शुरू हो जाओ पिछला वाला तुम्हारे सामने कर दिया मैंने जो मैंने सॉल्व किया था वो तुम्हारे सामने है। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना आपने हो रहा नहीं हो रहा किस किसने लिख लिया सेल रिएक्शन लिखा है yes, बोलो कौन बोलना चाहता है अर्ची बोल क्या लिखा बेटा अर्ची थ्री एम जी प्लस प्लस टू ए एल थ्री प्लस थ्री एम जी टू प्लस प्लस टू ए एल एक बार दोबारा बोल थ्री एम जी थ्री एम जी प्लस टू ए एल थ्री पॉजिटिव ठीक है ओके आई कॉट इसमें ये दो नंबर तुम्हें पेपर में आए तुमने सोचना क्या है तुम ये सोचोगे माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स और माइनस वन पॉइंट सिक्स में से माइनस वन पॉइंट सिक्स नंबर बड़ा है तो तुम्हें ये समझ आता है ये कैथोड है इतना समझ आ रहा है yes, sir. तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया no. कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करना आ गया पूरी क्लास को यस नो एट कैथोड बोलो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन ये भी रिडक्शन के टर्म्स में मैंने करेक्ट दी हुई है दोनों वैल्यू रिडक्शन के टर्म्स में ही दी हुई है तुमने कोई चेंज नहीं करना था एट

प्लस टू ए एल थ्री प्लस गिवस यू थ्री एम जी टू प्लस प्लस टू ए एल सब का सेल रिएक्शन आ रहा है क्या याद करना है एबीसी एबीसी तो कोई भूलेगा नहीं एबीसी क्या इसका मतलब क्या पहले क्या लिखते हैं एनोड क्या था एनोड पे Mg किस स्टेट में होता है मेटल सॉलिड स्लैश क्या बना क्या था क्या बना Mg2+ टू प्लस कंसेंट्रेशन जो भी है इसकी सी वन लिख देना दो लाइन है ब्रिज कैथोड पे क्या था ए एल थ्री प्लस आइंस की कंसेंट्रेशन कोई भी सी टू या मोलर लिख दो स्लैश ए एल सॉलिड ये सेल रिप्रेजेंटेशन है इसको बैलेंस नहीं करना होता क्या था क्या बना क्या था क्या बना दैट्स इट लास्ट है सेल पोटेंशियल नॉट सेल का फॉर्मूला होता है इन कैथोड माइनस एनोड कैथोड माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स क्या आ रहा आंसर सेवन पॉइंट सेवन आ रहा है अरे आया समझ पॉइंट सेवन उी फाइव सॉरी पेज पे जो मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला पहले ये, ये वाला पार्ट मार्क होना चाहिए जाओ ये दोनों पार्ट मार्क होने चाहिए इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन है रोल ऑफ सॉल्व ब्रिज नेक्स्ट पेज पे अगर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पूछे इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट फ्लोस फ्रॉम डैश टू डैश क्या करंट फ्लोस फ्रॉम डैश टू डैश क्या आंसर है कैथोड कैथोड टू टू एनोड एनोड अरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ तो करंट का कन्वेंशन ऑपोजिट होता है पढ़ा है फिजिक्स में यह लिखा हुआ देखो जहां मेरा कर्सर है देखो अब करंट ये जो फिगर है इसमें एनोड के ऊपर बड़ा सा नेगेटिव लगाओ बिल्कुल क्लियर बड़ा सा नेगेटिव लिखो एनोड के ऊपर कैथोड के ऊपर एक बड़ा सा पॉजिटिव लिखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड करंट कहां से कहां फ्लो करता है कैथोड टू एनोड अब ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है जेड ZN, एन एनोड जेड एन टू प्लस उसकी कंसेंट्रेशन वन मोलर दो लाइनों का मतलब सोलब्रिज सी यू टू प्लस वन मोलर से बना सी यू सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो तुमने गलत लिखा होगा क्योंकि तुम एलसीएम लेके उसको कट कर रहे हो इस बॉक्स पे डबल टिक लगाओ इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन देर शुड बी नो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमने सेल किया था ये उसका सेल रिएक्शन है अब नेक्स्ट पेज निकालो नेक्स्ट पेज पे ये बॉक्स पढ़ो इस पर टिक कर लो ये फॉर्मूला टिक करो आज ही पढ़ा भी ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड ये मैंने बताया हुआ कैसे आ रहा है फॉर्मूला चाहिए नहीं होगा कैसे आ रहा है तुम्हें फॉर्मूला याद करना अब तुम एनोड को हमेशा अपने लेफ्ट पे बनाते हो कैथोड को राइट right पे बनाते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला ये भी हो सकता है ई नॉट सेल इज राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट समझ आ रहा है अरे कैथोड को राइट right पे बनाना है अपने राइट right हैंड पे बनाना है एनोड को कहा बनाना है अपने लेफ्ट पे इसको भी टिक कर लो सेकेंड बॉक्स को भी टिक कर लो

आर्बिट्रेली बिल्कुल जीरो 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 वैल्यू दे दी और उसके हिसाब से बाकी सारे नंबर अरेंज कर लिए अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना कभी आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में बट दिस इज इन योर सिलेबस दे कैन आस्क यू लीगली दे कैन आस्क यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आस्कूजर्ड्रोजन इलेक्ट्रॉडर वर्क तो इसको रीड लिख लो इसके साइड पे रीड लिख लो अब तुम तो एक मेटल को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर रहे हो तुम्हें नहीं पता वो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ज्यादा हाइड्रोजन कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है तो अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इट इल लूज इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरह बिहेव करेगा इट इल गेन इलेक्ट्रॉन तो उसमें दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए अब मैंने तुम्हें लिखवाया बड़ा वाला हमेशा कैथोड होता है यहां पे मैंने ये लिखा हुआ ये समझ आता है सबको एक ही बात है बड़ा वाला अगर कैथोड होता है तो छोटा वाला क्या होगा एनोड अब ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं चार अब गलत आंसर मत करना चारों की वैल्यू ध्यान से देख लो पहले देख लो करेक्ट है कि नहीं वैल्यू रिडक्शन के टर्म्स में है कि नहीं है वैल्यू चेक कर लो एक बार अब ये बताओ इन चारों में से जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो हमेशा एनोड कौन सा होगा इन चारों में से जो मर्जी दो का कॉम्बिनेशन का सेल बनाओ हमेशा एनोड कौन सा होगा जिंक होगा हमेशा एनोड और हमेशा कैथोड कौन सा होगा तुम सच में गधे हो okay. इनमें से हाईएस्ट वैल्यू ये है। कॉपर विल ऑलवेज बी कैथोड जिसके साथ मर्जी लगा लो और जिंक विल ऑलवेज बी एनोड इन चारों में से समझ आया सबको ओके नेक्स्ट पेज ये एप्लीकेशन वाला है ये तुम तब करना पर... अगर कंपेटिव की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लेना इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब यहाँ पे आ जाओ टेबल में 11th में एक चैप्टर था एस ब्लॉक एस ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे देखो बिल्कुल एंड पे लिथियम दिया हुआ लास्ट वैल्यू कितनी वैल्यू है लिथियम की माइनस थ्री पॉइंट जीरो वैल्यू है ये हमेशा एनोड बनेगा इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होता है कौन सा एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट लिखो टेबल के नीचे यहां पे लिखो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एल आई इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिया सबसे टॉप पे कौन सा टेबल हाईएस्ट वैल्यू किसकी है फ्लोरिन की फ्लोरिन सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा बेस्ट कौन सा है लिखो f2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट f2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट li इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट f2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब लिथियम और फ्लोरीन के सेल का पोटेंशियल क्या होगा अगर मैं लिथियम और फ्लोरीन का सेल बना दूं तो पोटेंशियल बोलो सेल का अरे जल्दी करो

ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये ई नॉट है ई नॉट ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जब सारे आयंस की कंसेंट्रेशन वन मोलर है दैट इज ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये इलेवेंथ यहां खत्म हो रहा है अब ट्वेल्थ में हमने जो करना है यहां पे देखो ये सेल लिया था जिंक की वैल्यू है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स कॉपर की वैल्यू टेबल से प्लस पॉइंट थ्री फोर तुमने इसका ई नॉट सेल निकाला कैथोड माइनस एनोड ये सेल 1.1 वोल्ट पे काम करेगा कॉपर और जिंक का सेल तुम एक्चुअली फिजिक्स लैब में यूज करते हो 1.1 वोल्ट पे काम करता है ये जो ई नॉट सेल है इट इज डिफाइंड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द आइंस वन मोलर इसमें कॉपर टू प्लस वन मोलर है और इसमें जेड एन टू प्लस वन मोलर है ये वैल्यू तभी आएगी वन पॉइंट वन पर मैंने तुम्हें जब सेल बनाया तो मैंने बोला टाइम के साथ कॉपर सल्फेट कम होता जाएगा और जिंक सल्फेट बढ़ता जाएगा तो ये वन मोलर तो रहेंगे नहीं वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वन मोलर होगा पर अगर ये वन मोलर नहीं है और ये भी वन मोलर नहीं है तो वैल्यू क्या होगी उसको बोलते हैं ई सेल दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन क्लास ट्वेल्व इलेवेंथ में ई नॉट सेल है जब मोलर मोलर है, है, अब नहीं है तो उसको ई e सेल बोलेंगे e है का, e निकालना. अब ई e सेल के लिए तुम एक तो इस पेज के क्वेश्चन ट्राई करोगे सेवेंटी वन अब जो भी सीरियस हो पढ़ाई में अगर थोड़ा बहुत तुमने कंपिटिव की तैयारी है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं सेवेंटी वन पेज के क्वेश्चन ट्राई करना 72 पेज से 12 शुरू होता है तुम्हारा नर्थ इक्वेशन इसमें हम ई नॉट सेल नहीं निकाल रहे हैं ध्यान से देखो हम ई सेल निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला अब नेक्स्ट क्लास में यूज होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस इज योर नर्थ इक्वेशन सो कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल वॉट द डिफरेंस

उसके बाद क्या होगा उसके बाद तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी उस वैल्यू को निकालना है जब कोई भी उसको ई सेल बोलते हैं इसके लिए हम नर्स इक्वेशन यूज करेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है इक्वेशन दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पिछली क्लास में जो पढ़ाया था पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा डेल्यूशन वाला वो ग्राफ बताए थे तुम्हें दो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था और एक ऐसे था याद आ रहा है लास्ट क्लास लास। yes, वीक वाले में ज्यादा बढ़ता है स्ट्रॉन्ग वाले में कम बढ़ता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉर यू स्टडी इन लास्ट क्लास और एक अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे आना है. तो ठीक uh, है, है, ना टेस्ट? ना है, टेस्ट? तो है और तुम लोग एक बार प्रिपेयर कर लेना थर्सडे आई टेक यूर टेस्ट फॉम ऑर्गेनिक अब कुछ ना नए बच्चों ने ज्वाइन किया है टेस्ट संडे इवनिंग वो इंस्टीट्यूट आएंगे कुछ बच्चे टेस्ट देने तो मेरा एक सजेशन है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक की पहली ग्यारह क्लासेज तो तुम में से ज्यादातर ने कर ली होंगी

फिर फाइनल पेपर में क्या करेगा तू तो? ठीक है चिंता मत कर जो तो पढ़ा रहा तू तो उस पर रहेंगे स्कूल में तो पांच पेपर होते हैं उनको छोड़ पहले तू तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सात सात चलू उसके अपने आप अप कोर्स पूरा हो जाएगा हमारा ठीक है चलो टेक केयर गुड नाइट बाय थैंक यू सर बाय